दोस्तों नमस्कार और स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो एक नई पॉलिसी आज जो है निकाली है, आज के कुछ दिनों पहले निकली थी दोस्तों, लेकिन जो है न्यूज़पेपर में आज इसको पब्लिश किया गया था। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि क्या है पॉलिसी और क्या ये सारे पेट शॉप जो ओनर्स हैं उनके लिए है या किसके लिए है। दोस्तों देखिए, जो पॉलिसी जो है नॉर्थ दिल्ली की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने निकाला है, इसके तहत दोस्तों जितने भी पेट शॉप्स हैं जो जिनका क्षेत्र अधिकार या जो नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आते हैं, वो सारे पेट शॉप ओनर्स को अपने जो पेट शॉप का है उसका रजिस्ट्रेशन अपने कंसर्न या दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड में जो है अपने पेट शॉप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दोस्तों आप उनका रजिस्ट्रेशन ले जाएंगे अपने कंसर्न जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों, वहां से आपको लाइसेंस इशू होगा। इसके बाद दोस्तों जो है आप अपने पेट शॉप को ऑपरेट कर सकते हैं। और आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि ये दोनों जो आपका जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन है और जो आपका जो है कंसर्न म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जो लाइसेंस मिला है, ये आप हमेशा अपने शॉप में डिस्प्ले करके रखेंगे दोस्तों। उसके बाद बात की जाए जो रजिस्ट्रेशन फीस की है दोस्तों, वो है अगर आप न्यू शॉप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 7,000 है, और उसका रिन्यूअल फीस 5,000 पर एनम है। मतलब एनुअली एक बार का रजिस्ट्रेशन, चाहे तो आप वन गो में 5 साल तक के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बट अगर न्यू पेट शॉप का अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उसकी फीस 7,000 है दोस्तों, और अगर रिन्यूअल करा रहे हैं तो 5,000 पर एनम है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए, जो इसमें भी जो भी ट्रांजेक्शन आप अगर अपने पेट शॉप में करते हैं, कोई भी पेट लाते हैं या किसी को बेचते हैं, तो जो भी आप करते हैं वो आपको 2 डेज के अंदर दोस्तों इसका जो है इन्फॉर्मेशन आपको जो है देना होगा। जो म्यूनसिपल आपका जो कंसर्न है उसको आपको जो है इसकी सूचना देनी होगी कि आपने ये पेट जो है किसको और कब बेचा है। इसके रिगार्डिंग आपको जो है वहाँ विद इन 2 डेज जो है ट्रांजेक्शन के 2 दिन के अंदर जो है आपको उनको अपडेट करना होगा दोस्तों। उसके बाद जो भी पेट आप अपने जो है पेट शॉप में जो भी एनिमल्स रखेंगे उनका जो है फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। और फिटनेस सर्टिफिकेट में भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि फिटनेस सर्टिफिकेट आप इधर उधर से किसी ऐसे वैसे वेटनरी डॉक्टर से नहीं देंगे, सिर्फ उन्हीं वेटनरी डॉक्टर का जो है फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिड होगा जो दिल्ली वेटनरी बोर्ड जो भी है, जो उनकी संस्था है उसमें रजिस्टर्ड होंगे, उन्हीं से जो है आप जो सर्टिफिकेट ले सकते हैं दोस्तों। ऐसे इसमें जो है कई रूल्स हैं जो आप अपने कंसर्न उनसे जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है उनसे कांटेक्ट करेंगे तो बता ही देंगे दोस्तों, बट इतना फॉर श्योर है कि ये अब मैंडेटरी कर दिया गया है। और जो भी भाई लोग जिनका शॉप जो है पेट शॉप जो है नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज्यूरिडिक्शन में पड़ता है, वो अपने पेट शॉप का रजिस्ट्रेशन तो अपना जो है अपने एनिमल वेलफेयर बोर्ड में और उसका लाइसेंस जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जरूर ले ले दोस्तों। अभी फिलहाल ये जो रूल है सिर्फ नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज्यूरिडिक्शन में ही लागू किया गया है, बट प्लानिंग ये है दोस्तों कि धीरे धीरे इसको पूरे जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है दिल्ली में ये रूल सब में इम्प्लीमेंट किया जाएगा दोस्तों। होप जो जानकारी आप लोग चाह रहे थे मैंने आपको जो है बहुत सिंपल टर्म्स उसमें स्पष्ट कर दिया है दोस्तों। और इसके बावजूद अगर किसी भाई को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई डाउट हो तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।